ये लाइफ की रियलिटी है। आज मैं जब भी उनसे पूछती हूँ ना आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कहते हैं बस ठीक है, बस चल रहा है। हम साथ साथ कंपैरिजन करेंगे कि हमारे अल्फाज कैसे हैं, हमारी जिंदगी में नहीं भी चल रहा, उसका बेटा मर गया है, कमरे में बंद कर रही है, घर में किसी को बताया नहीं, उसने एक सेकंड के लिए शक ना किया कि अगर मैं चली जाऊंगी मेरा शोर क्या मुझे कहेगा, मेरे मोहल्लेदार क्या मुझे कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि बच्चा मरा घर छोड़ के खुद निकल गई। आज ये रोग हम में जो सबसे बड़ा पाया जाता है कि चाचा क्या कहेगा, फूफी क्या कहेगी, मामा क्या कहेगा, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आज इस रोग को अपने दिल से निकाल दे, लोग क्या कहेंगे। एक नैयरा नूर ने बड़ी देर पहले क्या कहा था, लोगों का क्या समझाने तो इनकी अपनी मजबूरी है, लोगों की मजबूरी है, आप कुछ नहीं भी करोगे फिर भी कहेंगे, इसलिए जिसको ये मजबूरी है उसको इस मजबूरी में रहने दे। आपने जो करना है आप अपनी जिंदगी के एक्ट देखें, आप अपनी जिंदगी के फैसले देखें कि जब आपके सामने ऐसी कोई डेड सिचुएशन आ जाती है, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपका क्या एटीट्यूड है, आप में क्या पॉजिटिविटी पाई जाती है। उसका बच्चा एक सेकंड उस औरत की सिचुएशन को, उसकी कंडीशन को हम भी माया सामने रखें कि जिसके पास एक ही बच्चा हो और वो मर जाए और वो बच्चे को बंद करके कमरे में और निकल जाए, कैसा बड़ा ईमान है उस औरत के पास। हालेलुया, हालेलुया, कैसा बड़ा ईमान है। और वो गई है और क्या कह रही है, सब अच्छा ही होगा। ये नहीं बाप को बताया बेटा मर गया है, कह रहा तू क्यों जा रही, कह रही मैं जा रही हूँ अच्छा ही होगा। ये है पॉजिटिविटी, ये है शुक्रगुजारी हमारे लफ्जों की कि हम अपनी डेड सिचुएशन में क्या क्या रहे हैं। जब हम नेगेटिव वर्ड निकाल रहे हैं तो हम ना शुक्रापन करते हैं, हम ना शुक्रापन करते हैं और हम कहते हैं कि कोई है ही नहीं, हमें हमारी प्रॉब्लम से बड़ा कोई है ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो हल्ले मुश्किलात है वो आपकी तमाम मुश्किलों से कादिर और जलाली है। हालेलुया, उसने कहा है कि क्या मेरे नजदीक कोई काम मुश्किल और दुश्वार है, मैं कादिर मुतलिक हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं दाऊद के घराने की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ रोशन सितारा हूँ, मैं जो कह दूँ तो वो हो जाए। हालेलुया, उसके नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया, सब अच्छा होगा। हम अपने लफ्जों पर आज गौर करेंगे, जब हमें कोई काम नहीं मिलता, जब हम बीमार होते हैं, जब हम किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं तो हमारे अल्फाज कैसे होते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा होता है, क्या हम उस सिचुएशन में भी खुदा के शुक्रगुजार रहते हैं या नहीं। इसीलिए खुदा ने मुझे कहा कि हर एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ की शुक्रगुजारी है। जब आप हर सिचुएशन को पॉजिटिव वे से लेते हो, जब आप हर तकलीफ को पॉजिटिव वे से लेते हो, तो ये आपकी शुक्रगुजारी है। और कलाम कहता है कि शुक्रगुजारी हर तरह के बंधनों को खोल देती है। कलाम कहता है कि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की ये मर्जी है कि तुम हर बात में शुक्रगुजारी करो। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहती है, उस मर्द खुदा ने दूर से उसे देखकर अपने खादम जिहादी से कहा, देख उधर वो शनीमी औरत आती है। मर्द खुदा भी हैरान हो गया, हर साल तो मैं इसके पास जाता हूँ, आज ये मेरे पास क्यों, यकीनन कुछ हुआ है। वो दूर से ही देख के अपने खादम को कह रहा है, अब जरा उसके इस्तकबाल को धोड़ा जा और उससे पूछ, क्या तू खैरियत से है, तेरा शौहर खैरियत से है, बच्चा खैरियत से है। मर्द खुदा को पहले ही पता चल चुका था, वो दूर से देख के कह रहा है कि उससे पूछ, शोहर खैरियत से है, तू खैरियत से है, बच्चा खैरियत से है। अपनी बाइबल देखिए नीचे क्वेश्चन मार्क है। उसने अलीशा के खादिम को जवाब क्या दिया, अब फिर जवाब उसका देखिएगा, उसने जवाब दिया खैरियत है। हालेलुया, क्या जवाब दिया उसने, खैरियत है। कहीं से पूछो ना क्या हाल है, बस ठीक है, कि कैसा चल रहा है, बस ठीक है। अब जो ठीक जिसके लिए कह रहे हैं ना, फिर काम भी वैसा बस ठीक ही होता है। अगर आप अपनी डेड सिचुएशन को भी कहो ना, सब अच्छा है, सब खैर,
ذریعے سے ہے تو آپ بلیو کریں جس طرح خدا نے اس شنیمی عورت کے مردہ بچے کو زندہ کیا تھا, خدا آپ کی بھی مردہ ڈیڈ سچویشن کو زندہ کرنے میں قادر اور جلالی خدا مند ہے. ہللویا. ہر ایک بات میں شکر گزاری. پالوس کہتا ہے ہر بات میں خوش رہو, بلا ناگا دعا کرو. مسیح یسو میں تمہاری بابت کس کی یہ مرضی ہے؟ خدا کی مرضی ہے. ہللویا ہللویا ہللویا. اب وہ شنیمی عورت لے گئی ہے مرد خدا کو, اور مرد خدا سیدھا گیا اپنے کمرے میں. اس نے کہا میں تیرے بیڈ پہ بچے کو لٹا رہی ہوں. ہللویا. جس بیڈ پہ تو آ کے لیٹتا ہے خدا کے خادموں سے, میں نے سنا جو ہوا بھی گزرتی ہے نا اس میں بھی مسا ہوتا ہے. ہللویا. کپڑے چیزیں تو دور کی بات, یہ رمال پکڑنا تو دور کی بات, جو انہیں ہوا بھی چھو کے جاتی ہے نا, یہ ہوا بھی کسی کو لگ جائے نا تو وہ ہوا سے ہی چنگے ہو جاتے ہیں. ہللویا ہللویا. اس بیڈ پہ وہ گیا, بچے کے اوپر لیٹا سانسے, اور ہوا کیا, سٹوری کا اینڈ, بچہ زندہ ہو گیا. بچہ زندہ کر کے اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا, لے پکڑ اپنا بچہ. ہللویا. کسی باپ کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا بچہ مر گیا, اور اس کی شکر گزاری نے, اس کی پوزیٹیوٹی نے کہ سب اچھا ہے, سب خیریت سے ہے, مردہ بچے کو زندہ کر دیا. ہللویا. آج ہم اپنی زندگی کے ایٹیٹیوڈ چیک کریں گے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمیں ذرا سا کچھ ہو جائے نا سر درد نہیں جانی, میرا بی پی, میری شوگر, میرا یہ. اگر ہم ان تکلیفوں کے لیے بھی شکر گزاری کریں گے نا خدا کی